से रिलेट कर सकते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, असलियत में ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है नवंबर 3, 2019, और डे है सुपर संडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आई एम द एजुकेटर, जो आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता है। मेरे डेली करंट अफेयर्स शो के अंदर आप लोगों को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, AIR, योजना मैगजीन, एज वेल एज कुरुक्षेत्र की भी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप लोग मेरा रेफरल कोड अमन डॉट शर्मा का इस्तेमाल करके 10% बेनिफिट अवेल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं यहाँ स्टडी IAS पे तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए द हिंदू का एनालिसिस लेकर आता ही रहूँगा। थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है मुझे एनालिसिस को डिलीवर करने में ड्यू टू द टाइम पॉसिटी, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं दिन पे दिन थोड़ा सा आप लोगों को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। कल मैंने आपके लिए एक सवाल रखा था। सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन ओशियंस आर करेक्टली मैच्ड। चलो एनालाइज करते हैं। रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशियन के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। गफ आइलैंड पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ये गलत बात है क्योंकि ये है अटलांटिक ओशियन के अंदर। हवाई आइलैंड्स आर इन पैसिफिक ओशियन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, देखो ये एक आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, ये अंटार्कटिक नहीं, ये भी अटलांटिक ओशन में पड़ता है, तो इसीलिए सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फिफ्थ भी सही है कि जो कोमोरोस आइलैंड है वो इंडियन ओशन में पड़ते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 1, 3 एंड 5। तो 1, 3 एंड 5 है सी, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। आपके लिए आज का सवाल है चंद्रयान 2 से रिलेट करते हुए। ऑल दो चंद्रयान 2 में हम लोगों ने लैंडर और हमारा जो रोवर था, जो प्रज्ञान था और विक्रम था, वो भी भेजे थे, बट यहाँ पर उनसे हमारा संपर्क छूट गया। बट फाइनली हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने डिटेक्ट किए हैं आर्गन 40, कि आर्गन 40 यहाँ पर डिटेक्ट की गई है लूनर एग्जोस्फेयर के अंदर फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर से रिसेंटली। उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट देखनी है, आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसके पास यहाँ पर नेचुरल न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर है, बेस्ड पेलोड है, विच कैन डिटेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द लूनर न्यूट्रल एग्जोस्फेयर, जिसके रेंज 1 to 100 AMU के आसपास की है। आर्गन 40 इज एन आइसोटोप ऑफ द नोबल गैस ऑफ आर्गन, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लूनर एग्जोस्फेयर का, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पोटेशियम 40 40K, विच जिसका जो हाफ लाइफ होता है वो अराउंड 1.2 into 109 ईयर्स का है। तीसरी स्टेटमेंट है कि पोटेशियम इज वन ऑफ द 10 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पोटेशियम उन 10 एलिमेंट्स का पार्ट है जो कि कुल मिलाकर हमारी अर्थ के क्रस्ट का 99% पोर्शन कवर करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स का। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन को अपनी अपनी डायरीज में स्टार के साथ नोट डाउन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है अबाउट दी आर्गन 40 फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 हमें पहली खबर मिलती है, नो लाइट डाउन द रैबिट होल ऑफ ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। देखो यहाँ पर जो खबर है वो बेसिकली रिलेट करती है कि ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी, उनका ये कहना था कि उनकी कंपनी मतलब ट्विटर कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर ऑनलाइन इकोसिस्टम में पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को फेसबुक और गूगल के थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते हुए नजर आए। फेसबुक को अपना बहुत ज़्यादा रिवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से ही मिलता है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा आपको कमेंट्स, लाइक्स और शेयर भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में नज़र आते हैं। हाउएवर एज मोर एंड मोर एडवर्टाइजर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी एम्ब्रेस करते हैं एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर उनकी इलेक्शन स्पेंडिंग के ऊपर टैब रखना या देखना कि वो इलेक्शन में कितना खर्चा कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पैसे कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं।
फरवरी से ही यहाँ पर डेटा अवेलेबल होने लगा एडवर्टाइजर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, धीरे धीरे यहाँ पर चलने लगी। पॉलिटिक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 39.1 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए हैं फेसबुक पे, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो गूगल पे चलते हैं उस पर 29.3 करोड़ रुपीज़ खर्च किए हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने और बहुत सारे वेब प्लेटफॉर्म, आपको याद होगा जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इन सब ने मिलकर निकाला था एक वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स। ये मे के अराउंड उन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया था, ओके, इलेक्शन के अराउंड यहाँ पर रिलीज़ किया था कि ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट होंगे उनको फिल्टर आउट करेंगे, फिर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलेंगे। बट उसके बावजूद भी अभी जो रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए हैं, ये सारी कैंपेन हम लोगों को फेल होती हुई नज़र आई है। उसी की एक लिस्ट आज हम लोगों को देखने को मिली कि देखो कितने ज्यादा पैसे यहां पर कौन कौन सा यहां पर फेसबुक पेज खर्च करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 1, न्यू इंडियन मैप शोज यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहां पर भारत का नया मैप हमारे सामने आ गया है, सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप लोग सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज याद रखना, सर्वे ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी भी यहाँ पर मैप बनाने की जिम्मेदारी है वो सारी की सारी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर वर्क करती है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कि सर्वे ऑफ इंडिया किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है। जल्दी से अपने गूगल का इस्तेमाल करना और नीचे ड्रॉप कर देना। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से रीड्रॉ किया है हमारे देश का मैप, क्योंकि 5th ऑफ अगस्त 2019 को हम लोगों ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ले लिया था। 6 अगस्त 2019 हमारे सामने आया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, और रीऑर्गेनाइजेशन बिल सेकंड वाला भी यहां पर पास हो गया था। ओके, रिसेंटली हम लोगों ने 2 नए लेफ्टिनेंट गवर्नर चुन लिए गए हैं। ओके, तो ये भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर होना चाहिए। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो कि यहाँ पर रिसेंटली फॉर्म यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाली जो यूटी है उसके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। मतलब हमारे देश में 3 यहाँ पर यूटी बन गए हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, और लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और जो एरिया है जैसे गिलगिट का, गिलगिट वजारत, चिल्हास, और जो ट्राइबल टेरिटरी है जो 1947 के अंदर थी, उनको यहाँ पर लद्दाख वाले यूटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। बाकी सारे जो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो एरिया हैं जैसे मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उनको जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है एज़ पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। आप यहाँ पर मैपिंग देख सकते हो, ये है लद्दाख, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन यहाँ पर लद्दाख का पार्ट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट है। 1947 में यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट थे, ओके, 2019 में अब यहाँ पर 28 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैव बीन डिफाइंड इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज सेकेंड ऑर्डर 2019, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इशू किया था, जिसे गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटरी ऑफ 1947 को यहाँ पर इंक्लूड कराया जा सके लद्दाख वाले रीजन के अंदर। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर आप कह सकते हो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है उन लोगों की जिनके यहाँ पर मकसद एक है, जिनको अचीवमेंट सेम चीज़ करनी है और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वे एक साथ मिलकर यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, खासकर महिलाएं। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि तमिलनाडु के अंदर हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के रूप में यहाँ पर वर्क करेंगे। यहाँ पर बोला गया एक नई स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है मनम इनिंदु। मनम इनिंदु यहाँ पर इसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको ट्रेन किया जाएगा और ये अराउंड 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। दिस विल बी अ ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ्स और 6 महीने बाद ये यहाँ पर फील्ड पे जाकर जो लोग हैं उनको मेंटल हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, उनको मेंटल हेल्थ उनकी बेटर करने में ये यहाँ पर मदद करेंगे। पेज नंबर 10 खबर मिलती है व्हाट्सएप डिस्क्लोजर टू सर्ट इन लॉस्ट इन जागन। तो जागन का मतलब होता है यहाँ पर कुछ वो वाले शब्द जो कि टेक्निकली यहाँ पर मतलब शब्द जाल बना देना, उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं जागन। देखो व्हाट्सएप ने यहाँ पर सर्ट इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, किस चीज़ से रिलेट करते हुए? मैंने आपको बताया था एक मालवेयर के बारे में जिसका नाम है पेगासस। तो पेगासस मालवेयर है जिसको यहाँ पर एक NSO नाम की कंपनी है जो कि इसराइल की यहाँ पर फर्म है, उसने उसका कहना है कि पेगासस यहाँ पर क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, व्हाट्सएप कॉल की मदद से एंटर करता है, बट हम लोगों ने एडिटोरियल्स में कवर किया था कि व्हाट्सएप कॉल के अलावा भी ये मैसेजिंग और ईमेल के थ्रू भी एंटर कर सकता है। अब इसकी मदद से क्या होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर इस इसराइली कंपनी के साथ बहुत सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज
और यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो दूसरे देश के लोग हैं उनके ऊपर सर्विलेंस रखा जा सके, आपकी फोटोग्राफ्स, आपके ईमेल, आपके आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर्स, आपके मैसेजेस, सब चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो सर्ट इन ने यहाँ पर व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन मांगी, व्हाट्सएप ने यहाँ पर सर्ट इन को यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ रिस्पॉन्डिंग टू द एलिगेशन ओवर द ब्रीच ऑफ प्रिवेसी ऑफ सेवरल इंडियंस, व्हाट्सएप जो यूजर्स हैं जो कि यहाँ पर दे आर यूजिंग इजरायली सर्विलियंस सॉफ्टवेयर पेगासस, फेसबुक ऑन मैसेजिंग कंपनी हैज सेड दैट इट रिमेंड कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग ऑल मैसेजेस ऑफ इट्स यूजर। फिर यहाँ पर व्हाट्सएप ने एक और चीज़ कही है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहे हो, जो व्हाट्सएप के अपडेट्स आ रहे हैं उनको आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो आपको पेगासस बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट, प्रीलिम्स रिलेवेंट होता है यहाँ पर सर्ट इन के बारे में जानना। लेट अस कंसीडर अबाउट द सर्ट इन। सर्ट इन क्या है? कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये वर्क करती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये मीटी के अंदर यहाँ पर वर्क करती है। सर्ट इन एक नोडल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका मेन मकसद है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे यहाँ पर डील आउट करना, जैसे हैकिंग वाली प्रॉब्लम होती है, ओके, फिशिंग वाली प्रॉब्लम होती है हमारे देश में, ओके। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग के अंदर हम लोग बेसिकली, फिशिंग का मीनिंग होता है जब डाटा यहाँ पर स्टील हो जाता है, ओके, जब आपका डाटा स्टील हो जाता है उस चीज़ को कहते हैं फिशिंग, ओके, टेक्निकल टर्म्स में तो उन्हें कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, 2004 में बनाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसे हैकिंग एक्टिविटीज से बचाया जा सके, स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन, गाइडलाइंस इशू करना, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना और उनके खिलाफ बड़े बड़े एक्शन लेना, ये सर्ट इनका इंपॉर्टेंट काम है। पेज नंबर 10, हम लोगों को एक और खबर मिलती है, कांट इंटरवीन इन पाकिस्तान डिनायल ऑफ एयर स्पेस सेज ACAO। तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरेबिया जाना था तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूज़ करने से हम लोगों को मना कर दिया था। अब क्या है, नवंबर 13 और नवंबर 14 को है ब्रिक्स के समिट, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना है ब्राज़ील, तो वो यहाँ पर पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं। अब हम लोग पाकिस्तान नहीं गए हैं, ओके, हम लोग यहाँ पर चले गए हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ की कंप्लेंट लेकर, ओके। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने साफ कह दिया है कि वी आर नॉट एम्पावर्ड टू इंटरवीन, हमारा कोई राइट ही नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर मुद्दे में इंटरवीन करें, पर हमारे लिए तो ये प्रीलिम्स इवेंट हो गया है। क्या? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज एजेंसी, 1944 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ग्लोबल एयर नेविगेशन के स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर हम लोग लेकर आए इसके अंदर, जिससे पीसफुली यूज़ कर सके हम लोग एयर नेविगेशन को। जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसको 7 दिसंबर 1944 को साइन आउट किया गया था शिकागो के अंदर। इट एस्टैब्लिश द कोर प्रिंसिपल परमिटिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाय एयर, और यहाँ पर ACAO को इसीलिए गठन किया गया था। इंडिया इज अमंग दी 193 मेंबर्स और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कैनेडा के अंदर लोकेटेड है। पेज नंबर 11, खबर मिलती है जर्मनी टू इन्वेस्ट 1 बिलियन यूरो फॉर ग्रीन मोबिलिटी। देखो यहाँ पर जर्मनी की जो यहाँ पर चांसलर हैं एंजेला मार्कल, शी इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया, न्यू दिल्ली वो घूम रही हैं, वहाँ पे इनको भी लगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इन्होंने भी एक बड़ा फैसला ले लिया कि हम 1 बिलियन यूरो खर्च करेंगे आगे आने वाले 5 साल के अंदर, जिससे दिल्ली को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, अर्बन मोबिलिटी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सके। दिल्ली के अंदर वैसे भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था। मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड दी दिल्ली गवर्नमेंट, 20% पॉल्यूशन जरूर कम हुआ है दिल्ली का, बट यहाँ पर जो पॉल्यूशन बढ़ा है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, जो आसपास के इलाके से जो स्टबल बर्निंग हो रही है उसकी वजह से दिल्ली को बहुत ज़्यादा झटका ढेलना पड़ रहा है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरी तरफ से सोशल मैसेज यही है कि आप लोग अपने मास्क का इस्तेमाल करें। इंडिया एंड जर्मनी ऑल्सो एग्रीड टू डीपन दी एफर्ट्स, और जो यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर आने की बात हम लोगों ने 2007 के अंदर की थी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ड्यूटी कट ऑन ऑटोमोबाइल्स, स्प्रिंट्स को लेकर कुछ लिबरल वीज़ा रेजीम को लेकर, उन सब चीज़ों को रिजॉल्व किया गया था मई 2013 के अंदर, बट फिर भी वो अटक गया था। तब यही उम्मीद है कि जल्द ही हम लोगों को ये वाला एग्रीमेंट भी पास होता हुआ नजर आएगा। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 11, खबर मिलती है राजनाथ अर्जेस SCO टू फाइट टेरर। SCO इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 8 मेंबर हैं, 8 ग्रुप्स हैं। बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर एड ऑन किया गया था, तो शंघाई 5 ग्रुपिंग है इसके अंदर, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और यहाँ पर पाकिस्तान है। यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ पर बोला गया हमारे
डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अर्ज किया कि यहाँ पर जो हम लोग टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, इंडिया के लिए टेररिज्म की डेफिनेशन होती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और SCO बाबर ये कहती है कि जब तक यहाँ पर रेजिम चेंज नहीं होगा, जब तक उस चीज़ को एकदम फुल टेररिज्म नहीं माना जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट, SCO का एक और ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं रैट्स। ओके, ग्रुप का नाम है रैट्स। तो जो रैट्स ग्रुपिंग है, इट्स अ रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने बनाया था, जो यहाँ पर डील करती है टेस्ट के खिलाफ। ओके, टेस्ट के खिलाफ डील करती है। टेस्ट मतलब टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और यहाँ पर सेपरेटिज्म। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है SCO कंट्रीज साथ में आए डील करने के लिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मेनेस है। साथ ही यहाँ पर इंडिया ने अर्ज किया है कि SCO कंट्रीज मेक इन इंडिया के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 11। खबर हम लोगों को मिलती है यूनियन अपसेट ओवर ड्राफ्ट वेज रूल्स। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट रूल्स जो कि यहाँ पर गवर्न करेंगे वेजेस को, चाहे वो यहाँ पर मिनिमम वेजेस ही क्यों ना हो, या जिस चीज़ों से हम लोग फ्लोर लेवल वेजेस को फिक्स आउट करते हैं, उन सारे के सारे ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश कर दिया गया है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर जो वर्कर्स यूनियन है वो हम लोग को स्ट्राइक करती हुई नजर आई। भारत सरकार यहाँ पर लेबर लॉ के अंदर बड़े रिफॉर्म्स लेकर आना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था कोड ऑन वेजेस 2019, जो कि पास भी हो गया था अगस्त के अंदर। जो कोड है जिस उसके अंदर सब्ज्यूम किए गए थे फोर इंपॉर्टेंट लॉज, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में था, इक्वल पे के बारे में था, पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में था और मिनिमम वेजेस के बारे में था। प्रेजेंट असेंट भी अगस्त 8 को मिल गया था। जो रूल्स यहाँ पर आए हैं अंडर द कोड, दीज फॉर पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अपकमिंग मिनिमम वेजेस। यहाँ पर जो क्राइटेरिया जिसको चूज आउट किया गया है, दैट वुड बी अ स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली और वन अर्निंग स्पाउस, या जिसके अंदर एक वर्कर होगा, एक स्पाउस होगा और यहाँ पर दो बच्चे होंगे। मतलब अगर ये चार लोगों की फैमिली है, दैट इज इक्वलेंट टू द थ्री एडल्ट कंजम्पशन, जिनका इनटेक यहाँ पर 2700 कैलोरीज पर यूनिट पर डे बताया गया। इस क्राइटेरिया के अंदर जो फैमिली है उसको यहाँ पर 66 मीटर क्लोथ भी दिया जाएगा पर ईयर, हाउसिंग रेंट का एक्सपेंडिचर दिया जाएगा, और यहाँ पर 10% ऑफ द फूड दिया जाएगा, क्लोथिंग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलिनियस आइटम्स का 20% दिया जाएगा, 25% दिया जाएगा मिनिमम वेजेस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस एडुकेशन, मेडिकल नीड्स, रिक्रिएशन या कंटिंजेंसी के लिए। जो कोड है, इट विल एक्सटेंड टू मिनिमम वेज प्रोटेक्शन टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कर्स, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही क्यों ना बिलोंग करते हों। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 13, खबर मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेट करते हुए। RBI सर्च पैनल में बैक इकोनॉमिस्ट फॉर डिप्यूटी गवर्नर पोजिशन। यहाँ पर जब से विरल आचार्य जी छोड़ के गए हैं, RBI के डिप्यूटी गवर्नर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर सिविल सर्वेंट चाहते हैं कि जो जो ये पोस्ट है वो एक IAS द्वारा फिल आउट की जाए, बट अभी भी RBI का जो सर्च पैनल है वो कह रहा है कि वी विल गिव प्रेफरेंस टू द स्पेशलिस्ट, मतलब इकोनॉमिस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 14, FAQ वाला सेक्शन है। खबर मिलती है यहाँ पर सीक्वेंसिंग इंडियन जीन्स। ये न्यूज़ हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि CSIR ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो 6 महीने की एक्सरसाइज यहाँ पर अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी, कि वो यहाँ पर होल जीनोम सीक्वेंस करेंगे अगर अराउंड 1008 इंडियंस का, वो पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंडीजेन प्रोजेक्ट, और ये जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के रूप में देख रहे हैं, जिसमें भारत सरकार यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों का जीनोम सीक्वेंस करना चाहती है। आप ये कह सकते हो कि इंडीजेन इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। FAQ में कुछ सवालों के जवाब आपके लिए दिए गए। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है। देखो, जीनोम का मतलब होता है DNA। DNA के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सीक्वेंस करना। ज़्यादातर जो हमारी बॉडी का DNA होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाकी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, और इसके अंदर ही यहाँ पर ATP होता है, एड्रेनलिन ट्राइफॉस्फेट होता है यहाँ पर। ओके, तो इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक ह्यूमन सेल के अंदर बहुत सारे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और एक हर पेयर के पास अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर और अलग अलग लेंथ को हम लोग सीक्वेंस करते हैं जिनके अंदर जीन्स होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में वो जीन्स की वजह से होते हैं।
यहाँ पर जब हम लोग जीनोम को सिक्वेंस कर देते हैं, इसका मतलब है कि फाइनली जो एग्जैक्ट ऑर्डर है किसी किसी के अंदर डीएनए का, उसको डेसिफर करना, उनको रीड आउट करना। जो कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसी है डिफर बेस्ड ऑन द मेथड्स एम्प्लॉयड, कि क्या कौन सा मेथड यहाँ पर एम्प्लॉयड किया गया है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा महंगा बैठता है, ऑल्दो इस पर्टिकुलर ये जो जीनोम सिक्वेंसिंग जो यहाँ पर की गई है इंडिजन के अंदर, ये यहाँ पर लोगों को कोई भी खर्चा नहीं भरना पड़ा। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, CSIR ने बोला कि आप आओ, आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हो, तो 1000 यूथ से ज़्यादा यहाँ पर एनरोलमेंट हुए और फिर उनका यहाँ पर जीनोम को सिक्वेंस कर दिया गया। भारत सरकार का आगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम लोग यहाँ पर 10,000 इंडियन जीनोम्स को कम से कम आगे आने वाले समय में यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अपने ब्लड सैंपल्स को डोनेट करके गए, फ्रॉम वेयर द डीएनए सीक्वेंस वर कलेक्टेड, क्योंकि परमिशन इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज प्राइवेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे तो ये भी बोला गया कि आप लोग भी चाहो तो इंडिजन वाली वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी बड़ी मदद कहाँ करते हैं, ये हमारी जो बड़ी मदद करते हैं वो करते हैं यहाँ पर मेडिसिंस के अंदर, कि कुछ सर्टेन क्लास ऑफ मेडिसिंस के ऊपर आपके जीन्स कैसे यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेसिफाइड मेडिकल यहाँ पर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराना। ओके, कुछ स्पेसिफाइड डाइट क्रिएट करना, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉस्ट मैंने आपको बता दी, वैसे जीरो कॉस्ट है, कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं लगे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 14, खबर मिलती है व्हाई इज द टेलीकॉम सेक्टर अंडर स्ट्रेस। अक्टूबर 24, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपहेल्ड किया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो इंटरप्रिटेशन है AGR का, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, वो गलत है। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर को अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देने होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह भी बोला कि वो यहाँ पर कुछ फर्म्स को इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं इन पर्टिकुलर पैसों को पे आउट करने के लिए, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर अपने आप में एक क्राइसिस में चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट इज़ AGR एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर AGR इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देखो, AGR की डेफिनेशन ये है, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। AGR बेसिकली यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो जितना यूजेज की फ़ीस है या लाइसेंसिंग फीस है उनको, उनको यहाँ पर जो टोटल उनका रेवेन्यू होता है जो टेलीकॉम सेक्टर से आता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज यहाँ पर चार्ज आउट किया जाता है, उस परसेंटेज को ही हम लोग AGR कहते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन उसको कलेक्ट करता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि AGR के अंदर जो टेलीकॉम इनकम है सिर्फ उसे ही देखा जाता था, नॉन टेलीकॉम इनकम को नहीं देखा जाता था। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट से इनकम आ रही है या किसी ने किसी IPL टीम को यहाँ पर स्पॉन्सर कर दिया उससे इनकम आ रही है उसे नहीं देखा जाता था। और AGR की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर जो आप कह सकते हो जो महाभारत है वो पिछले 14 साल से चल रही है। ओके, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट इट शुड कंप्राइज रिवेन्यू फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज ओनली, बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चाहता था कि जो अदर सर्विसेज हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ओके, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वाई टू टेलकॉज नीड टू पे आउट लार्ज अमाउंट। वही मैंने आपको बताया कि क्यों यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ा कारण क्या है, यहाँ पर बहुत सारे 10 out of the 15 ऑपरेटर्स ने तो अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। आपने नाम सुना होगा पिछले कुछ साल में कुछ सिम्स आते थे रिलायंस कम्युनिकेशन के, टेलीनॉर के, टाटा टेली सर्विसेज के, एयरसेल के, वीडियोकॉन के, ये इनमें से बहुत सारी कंपनी यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कुछ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुका है, कुछ कंपनियाँ वैसे ही डूब गई हैं। तो मेजर सिर्फ 4 ही प्लेयर हैं मार्केट में, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL MTNL का ग्रुप। इसके अलावा बाकी सारे ग्रुप डूब चुके हैं। इन करंट प्लेयर में से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन इंडिया को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि एयरटेल को पे करने अराउंड 42,000 करोड़ रुपीज़, वोडाफोन को पे करने हैं 40,000 और जियो को तो सिर्फ 14 करोड़ पे कर रहे हैं, क्योंकि जियो अभी रिसेंटली आया 2014 के अंदर। ओके, सवाल आता है कि इज देयर अ सेक्टर इन दिस पर्टिकुलर क्राइसिस, क्या इस सेक्टर सही में बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। देखो, ये सब हम लोग जानते हैं कि येस दिस सेक्टर इज़ इन क्राइसिस और इसके ऊपर यहाँ पर भारत सरकार को बड़े स्टेप लेने चाहिए। अगला सवाल आता है कि क्या इंडिया सिर्फ 3 प्लेयर मार्केट बन के रह जाएगा। तो हमारे देश में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पर बदलाव हुए हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ मर्जिंग प्लान भी यहाँ पर सामने क्रिएट किए कि BSNL और MTNL को हम लोग मर्ज कर देंगे, तो अब सिर्फ 4 ही प्लेयर बन गए हैं मार्केट के अंदर। मैनी एनालिस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट इन द इवेंट दैट द गवर्नमेंट डज नॉट अनाउंस एनी रिलीफ मेजर, तो वोडाफोन आइडिया एक अलग ही सिचुएशन में हो जाएगी और वो भी क्राइसिस में आ जाएगा। तो आगे आने वाले समय में या तो 3 होंगे नहीं तो 4 हो सकते हैं, मतलब इसके ऊपर हम लोग कोई बेटर प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हैं।
अब अगला बात क्या होगी, अगली बात यही हो सकती है कि या तो एजीआर को पे किया जाए, नहीं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ इंसेंटिव्स अलाउ करे कि उस पर्टिकुलर कंपनीज को भी कुछ रिलैक्सेशन फील करने को मिले। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 14, यहाँ पे खबर मिलती है व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट टू रीडेवलप ल्यूटियंस डेली ऑल अबाउट। यहाँ पर क्या है, भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोग रीडेवलप करेंगे 3 किलोमीटर के लंबे एरिए को, जिसमें सेंट्रल विस्टा है, पार्लियामेंट है, ओके, यहाँ पर कॉमन सेक्रेटरीट है, तो उनको यहाँ पर रीबिल्ड किया जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को मिस्टर हरदीप पुरी जी ने यहाँ पर कंफर्म किया था, जो कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पर पूरा बदलाव होने की बात हो रही है पार्लियामेंट को। सवाल आता है कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है, लाइक वाई द गवर्नमेंट इज डूइंग लाइक दिस। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये ब्रिटिश एरा की है, ठीक है। उसके बाद भी पोस्ट 1947 कुछ बदलाव हुए थे, जैसे शास्त्री भवन आया, कृषि भवन आया, निर्माण भवन आया। करेंटली सरकार कह रही है कि अब उन्हें ज़रूरत है बड़े कमरों की, दे नीड अ ह्यूज रूम्स। जिस तरीके से काम बढ़ता जा रहा है, उनको ह्यूज रूम्स की ज़रूरत है, कुछ सीक्रेट रूम्स की ज़रूरत है। तो नए इंडिया के हिसाब से यहाँ पर हमें पार्लियामेंट के अंदर जो ऑफिस हैं उनको भी रीबिल्ड करना पड़ेगा। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स नहीं है, मॉडर्न वर्क स्पेस नहीं है, उसके अंदर हम लोग एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएंगे इनको, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सवाल आता है कि इसके क्या कुछ पैसे लगेंगे। ओके, ऑब्वियसली यार सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो सरकार यहाँ पर अराउंड 300 to बहुत सारे तो करोड़ रुपीज़ तो यहाँ पर सिर्फ वर्क के ही, सिर्फ डिज़ाइनिंग के ही खर्च होंगे, न जाने कितने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ऑफिशियल अमाउंट यहाँ पर ऑल दो 12,450 करोड़ रुपीज़ बताया गया है। आगे क्या होगा, आगे तो यही है कि अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया कुछ आर्किटेक्ट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, हिस्टोरियन से टाई अप करेगा, जिससे यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये और भी ज़्यादा बेहतर हमें बनता हुआ नज़र आए। पेज नंबर 15, हम लोगों को खबर मिलती है न्यू एविडेंसेस, कैप्सूल वाला पोर्शन है साइंस एंड टेक के अंदर। यहाँ पर बताया गया कि कुछ रिसर्च हुई वाइट पॉन्ड के अराउंड इन साउथ कैरोलिना। आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पर देखा कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी है, जिसको बोलते हैं यंगर ड्रियास इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, और उसको यहाँ पर प्रूफ किया गया है। ओके, वहाँ पर कुछ एक्सकवेशन देखने को मिले कि हाँ कुछ शायद कुछ एक्सटिंक्शन हुआ था बड़े बड़े एनिमल्स का। सो आपके लिए एक्स्ट्रा स्टफ ये है कि व्हाट इज़ दिस यंगर ड्रास इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जो यंगर ड्रास इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, इसे क्लोबिस कॉमेट हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये माना जाता है कि लगभग 12,800 साल पहले कोई एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड या कॉमेट, जिसकी अराउंड डायमीटर 4 किलोमीटर का था, वो उसने अटैक किया था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के अंदर। ओके, और वेस्टर्न एशिया के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ था, और उसकी वजह से यहाँ पर प्लेटिनियम, स्फेरुल्स, मेल्ट ग्लास, नैनो डायमंड्स ये ऑटोमेटिकली बन गए थे। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो जो हाइपोथेसिस है वो ये भी कहती है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो गया था, मतलब कैमल्स, मैमोथ्स, यहाँ पर बियर्स, वो भी अमेरिका में होंगे पर वो यहाँ पर खो गए। ओके, दे ऑल्सो लॉस्ट इट आउट। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो क्लॉबियस कल्चर भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक्सटेंसिव बायोमास वार्मिंग विंटर्स के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, मतलब क्लाइमेट चेंज में भी इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है। मूविंग ऑन पेज नंबर 15, खबर मिलती है हाउ कॉटन लीव वॉर्म रिस्पॉन्ड टू द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। यहाँ पर प्लांट, पेस्ट और प्रिडिटर के बारे में बात की गई है। बोला गया है कि एक कॉटन लीव वॉर्म है वो, यह कि यहाँ पर कॉटन की जो लीफ होती है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से खा जाता है। अब उससे बचने के लिए क्या करती है, यहाँ पर जो लीव्स होती है वो कुछ वोलेटाइल्स एमिट करती है, जिसकी वजह से वास्प, जो कि कैटरपिलर की प्रीवियस स्टेज होती है, उस वो यहाँ पर वास्प को अट्रैक्ट कर लेता है। वास्प यहाँ पे स्टिंग करता है और कुछ अपने एग्स भी ले डाउन कर देता है इस लीव के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, प्लांट वोलेटाइल्स ऑल्सो इम्यूनाइज द वॉर्म अगेंस्ट वास्प स्टिंग। तो यहाँ पर जो वॉर्म होता है वो भी वास्प की स्टिंग से बच जाता है, और जो वॉर्म्स होते हैं दे ऑल्सो गेन इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन, इसको बोलते हैं बेसिलिस थ्रिनजेनेसिस, ओके, बीटी, जिससे अंदर से हम लोग यहाँ पर बीटी कॉटन बाकी सारी चीज़ें निकालते हैं। उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रिटर्न फॉर्म में आपके लिए लिखी हुई हैं। इसी तरीके का ट्रायंगल हमें कैबेज वॉर्म के अंदर भी देखने को मिलता है। मूविंग ऑन पेज नंबर 15, खबर मिलती है स्टिम्युलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स हेल्प क्लियर टीबी बैक्टीरिया। यहाँ पर बात की गई है कि हम लोग जो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उससे बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ पर जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाएं। ओके, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को ही स्टिम्युलेट कर सकते हैं जिससे हम लोग बैक्टीरिया को मार सके। इसी चीज़ को यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर के कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पर ट्रिगर आउट किया है हम लोगों के लिए। पेज नंबर 15, खबर मिलती है एस्ट्रोसेट व्यू स्टार फॉर्मेशन इन अ जेलीफिश गैलेक्सी। यहाँ पर एस्ट्रोसेट ने यहाँ पर व्यू आउट किया है एक जेलीफिश गैलेक्सी का फॉर्मेशन। तो जेलीफिश गैलेक्सीज आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर शेप्ड लाइक डिस्क,
और बहुत सारे टेंटेकल्स उनके होते हैं, आपको इससे टेंटेकल्स उनके देखने को मिलेंगे। ओके, तो दिस कैन हैपन व्हेन गैलेक्सी इज अट्रैक्टेड बाई द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द क्लस्टर, और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हम लोगों को देखने को मिली। और अगली न्यूज़ हमें पेज नंबर 15 पे मिलती है, नाउ मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल कैन डिटरमाइन इफ स्किन कैंसर हैज़ स्प्रेड। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि स्किन कैंसर फैला है या नहीं फैला है। ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि स्किन कैंसर से रिलेट करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 20, खबर मिलती है रजनीकांत टू गेट स्पेशल ऑनर एट IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑनर करेगी अपने 50th यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल के अंदर रजनीकांत जी को एज द आइकन ऑफ गोल्डन जुबली। ओके, याद रखना आइकन ऑफ गोल्डन जुबली के रूप में रजनीकांत को यहाँ पर ऑनर आउट किया जा रहा है। पेज नंबर 20 खबर मिलती है कॉम्पिटिशन स्पीसीज हेल्प ईच अदर एट टाइम्स। देखो कॉम्पिटिशन स्पीसीज मतलब जैसे मान लो एक लायन है एक टाइगर है, तो दोनों यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर प्रिडिट एक ही पर्टिकुलर खाने के ऊपर जी रहे हैं, तो ये कॉम्पीट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, तो इन्हें खुद को बोलते हैं कॉम्पिटिशन स्पीसीज। यहाँ पर बताया गया कि रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ एनिमल्स जैसे गेजल्स वाइल्ड बीस्ट ज़ेब्रा अपने ही प्रेडेटर जैसे मान लो लायन लायन के बारे में उन्हें पता है कि हाँ लायन अटैक कर रहा है, तो वो आपस में भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं। ना इस तरीके का बिहेवियर हम लोगों ने देखा है। ओके, दिस इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बिहेवियर आर स्पेशली स्ट्रांग इन द लो पॉपुलेशन डेंसिटीज। ओके, इसी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि कंपीटिंग स्पीसीज एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो सोशल कनेक्शन एनिमल के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।